हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य पत्रिका 7 के बारे में, जो गणित विषय की है और कक्षा 8 की है। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। आज की डेट क्या है, 9/8/2021, ठीक है बच्चों। तो इस वक्त सीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि संडे को हमारी क्या आई है, एक थैंक्स वीडियो आई है, जिसमें आप सभी का नाम लेकर क्या करा गया, आपको थैंक्स बोला गया, साथ में कमेंट शो करा गया। तो इस तरीके से और भी थैंक्स वीडियोज़ आप सभी के लिए हर संडे को अब आती रहेंगी। तो आप सभी को वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नेम लिख कर जो भी सजेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो बच्चों, एक बात और बता दूँ आप सभी के डाउट से रिलेटेड, अगर आपको डाउट आता है तो आप सभी को करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। और इस टेलीग्राम ऐप में क्या करना है, इस टेलीग्राम ऐप में आपको जाना है और हमारे चैनल का नेम सर्च करना है, ठीक है। क्या है, लेट्स गाइड, ठीक है, लेट्स गाइड, ठीक है, किड्स नाम से एक क्या है सर्च करेंगे वहाँ पर आप जाके, तो वहाँ पर एक चैनल आएगा, ठीक है। दो चैनल आएंगे, दोनों में से किसी भी चैनल को आप क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको भी आप करना चाहते हो, ठीक है। दोनों ही हमारे चैनल हैं और इसमें क्या होगा, आपको डेली डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, वॉइस चैट के जरिए, ठीक है। आप टीचर से बात भी कर सकते हो, ठीक है, और उससे क्या है अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्लास का, हर तरीके के डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको वहाँ पर चैनल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप नीचे जाइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टॉप पर हमारे डाउट डिस्कशन ग्रुप का क्या है लिंक लगा होगा और आपको उस पर क्लिक कर क्या करना है, इसको कर लेना है, ठीक है। तो आइए आगे देखें क्या दिया गया है। आगे दिया गया है बच्चों, इसमें बोला गया है हमने उस समीकरण को हल करना सीखा जिनमें एक पक्ष के रेखांकिक व्यंजक तथा दूसरे पक्ष में संख्या है, ठीक है। क्या है, अभी तक हमने क्या करा है, एक ऐसी समीकरण को सॉल्व करा है जिसमें एक तरफ क्या होते थे, रेखांकिक व्यंजन होते थे और दूसरी तरफ संख्या होती थी। और आज हम उस तरीके के समीकरण को सॉल्व करेंगे जिसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में रेखांकिक व्यंजक होंगे। तो आइए देखें पहला क्या है। पहला दिया गया है, देखिए इसमें पहले बोला गया 3x-4=2x-5, समीकरण को हल करके x का मान निकालें, ठीक है। देखिए यहाँ से x का मान निकालना है, आपने करा क्या, 3x-4=2x-5। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस साइड से 2x को हटाओगे, ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, -2x से दोनों साइड कर देंगे माइनस, ठीक है। तो देखो -2x यहाँ करा, ये दोनों 2x कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ पर बच्चों, 5x, ठीक है, माइनस का। और इधर देखो 3 में से 2x को माइनस कर, तो हमारा क्या बच गया बच्चों, x बच गया। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला जो है 5 इसको हटाना है, सॉरी ये वाले 4 को हटाना है। तो इस 4 को हटाने के लिए हमने क्या करा, +4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। प्लस क्यों करा, क्योंकि इधर माइनस में है तो दोनों साइड हम प्लस करेंगे, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 4 गए बच्चे माइनस के 1। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 बोला गया है कि 14-2x+2(2), ठीक है, x+2+4, इसमें क्या करना है, x का जो है मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरफ मानेंगे 1, इस ब्रैकेट के बाहर मानेंगे 1, और जैसे ही 1 मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -1 2x और -1 × 2 ब्रैकेट में, ठीक है। और इधर देखो ये 2 है, इस 2 को क्या करेंगे, 2x और +2 × 2 में लिख देंगे। इसके बाद देखो बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -2x देगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 देगा, और उसी जगह पे बच्चों ये देखो 2x दे देगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, एक साइड इस समीकरण को, एक साइड हल करेंगे। जब देखो इस वाली समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से हमारा 12x आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है, 12 लिख देंगे। उसके बाद क्या हमारा आ जाएगा बच्चों, 2x, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2x लिख देंगे। इसके बाद देखो इधर वाली समीकरण को हल करेंगे तो 2x+4x = क्या बना देगा, 6x बना देगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। तो देखो आगे बच्चों क्या दिया गया, आगे क्या होगा, आगे अब हमें ये 6x हटाना है, तो ये प्लस में है तो -6x और -6x से दोनों साइड कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस का 2x ये बना देगा 8x। ये पता होगा आपको कि दो विपरीत साइन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, दो एक जैसे साइन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, हमेशा दो एक जैसे साइन जब भी आ जाएंगे किसी समीकरण में तो वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से 12 हटाना है तो हमने -12 करा और -12 इधर भी करा, जब यहाँ से करा तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 8x माइनस
8 हो गया और यहाँ पर x बराबर कितना आ गया जाके बच्चों, 1 आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया। अगला आपको देखिए प्रश्न दिया गया और समझाने का प्रयास करा गया। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 4x 3/2 प्लस में इज इक्वल टू 1/2x और 5x। इस समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है भाई, समीकरण को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। उत्तर देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोनों साइड देखो, दोनों साइड देखने पे आपको इधर x 1/2x दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या, पहले 1/2x दिखेगा तो उसको हम क्या करेंगे, देखो दो काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर 2 हटा दें, तो इस 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे तो ये देखो बना देगा जाके 2 × 4x, और ये वाली वैल्यू फिर क्या जाएगी, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ जाएगी तो 2 × 3/2 बना देगी। वही काम यहाँ पर देखो बच्चों है, ठीक है, ये वाली बना देगी 2 × 1/2x बना देगी, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू जब इसके साथ जाएगी तो क्या बना रही है, 2 × 5, ठीक है। तो इसके बाद देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दे रहा है 8x इधर। यहाँ से देखो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ x बच जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या बना देगा, 10 बना देगा। इसके बाद देखिए बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है, इधर से 3 हटाना है तो 3 माइनस में कर देंगे दोनों साइड, और जैसे माइनस में करेंगे तो ये 3 का 3 कैंसिल, और यहाँ पर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये x हटाना है तो इस x के लिए माइनस एक्स करेंगे तो 7 = 13x हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 7 हटाना है तो 7 हटाने के लिए नीचे 7 से दोनों साइड भाग मारा और कैंसिल आउट कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया जाके बच्चों, x बराबर आ गया -13/7। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें बोला गया इन प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 3x + 5 = 2x + 8। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों प्रश्न नंबर एक का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x + 5 = 2x + 8। देखो यहाँ पर हमें 2x हटाना है तो दोनों साइड हमने क्या करा, -2x और -2x करा, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ 3 में से 2 गए तो बचे क्या बच्चों, x बच गया s बचने से। इसके बाद देखो बचा क्या हमारा, टोटल x + 5 इधर बच गया और इधर बच गया 8। देखो ये 5 हटाना है तो इस 5 को हटाने के लिए हमने क्या करा बच्चों, -5 से दोनों साइड क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल होकर हमें क्या दे रहा है बच्चों, 3 दे रहा है। तो x बराबर 3, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 में इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न होगा 4x - 6 = 3x + 6, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो 4x - 6 + 3x हमने कर दिया। देखो माइनस का 3x क्यों करा, यहाँ पर 3x था बच्चों, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे क्या है, 3x, 3x प्लस में है तो दोनों साइड 3x माइनस कर देंगे, दोनों साइड 3x माइनस करने से ये 3x हट जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो इसके बाद हो रहा है, देखो ये 3x और ये 4x मिलकर क्या बना रहा है, माइनस का 7x बना रहा है। माइनस का 7x बनने के बाद देखो यहाँ माइनस का 6 है तो यहाँ प्लस का 6 है, और हमें ये माइनस का 6 हटाना है तो हमने क्या करा, प्लस का 6 दोनों साइड ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ बच जाएगा 6 + 12, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 7 हटाना है तो माइनस के 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको ये पूरा क्या है सॉल्यूशन एक बार में दिखा देता हूँ, तो आप देख लो और इसको क्या कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन के रूप में नोट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3x + 3/2 = 1/3x, ठीक है, -7। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें 1/3 हटाना था, 1/3x हटाना था, तो हमने 1/3x से माइनस करा, इधर 1/3x से माइनस करा, ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जैसे ही हम इस वाले को देखेंगे तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे हमारा 8x/3 हो जाएगा। 8x/3 आया कैसे, देखो 3x, देखो 3x को क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x और x कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस का 1/3 = ब्रैकेट में के बाहर x, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 हमारा और यहाँ हो जाएगा 9 - 1, ठीक है, 3 9 - 1 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर x हो जाएगा। इसके बाद देखो 9 में से 1 के बचे 8/3x, ठीक है, तो यहीं से आया क्या, 8/3x यहाँ पर आ गया, उसके बाद 3/2 और यहाँ माइनस का 7 हो गया। तो देखो बच्चों उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 3/2 से माइनस करा, यहाँ 3/2 से माइनस करा, ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो क्या होता है,
यहाँ एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर हमारा क्या आया माइनस का 17/2 और यहाँ पर क्या हो गया 8/3। अब देखो इस 8/3 को हटाना था तो हमने क्या करा 3/8 से मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा हमने बच्चों, हमने मल्टीप्लाई करा 3/8 से। 3/8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा ये 8 से 8 और 3 से 3 क्या हो रहा है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 × 5 = 17 कितना बना रहा है बच्चों 51। 3 × 17 = 51 और 2 × 8 क्या बना गया 16। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x − (3x − 2) = 4x + 4। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे 3x, ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस कट 3 × 2 लिख देंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो ये 3x बना गया और ये क्या हो गया 6 बना गया। इसके बाद देखिए नीचे क्या हुआ, नीचे आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसके बाद। तो बच्चों इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 3x में से जैसे ही 2x हमने माइनस करा तो हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर x आ गया माइनस का। जैसे ही माइनस का x आया तो यहाँ क्या है देखो 4x है, यहाँ 4x है माइनस में, और उसी वजह से हमने क्या करा प्लस का 4x कर दिया। और जैसे ही दोनों साइड प्लस का 4x दिया ये कैंसिल हुआ आपस में और यहाँ से क्या हो गया 3x आ गया, 3x आया। और इसके बाद देखिए हमें क्या है यहाँ से ये 6x हटाना था तो हमने माइनस करा दोनों साइड से 6x को, और माइनस करने ही से ही क्या हो गया यहाँ पर 2x आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद देखो बच्चों हमने क्या करा, ये 3 था इसको डिवाइड करना था, इसको क्या करना था यहाँ से हटाना था। हटाने के लिए हमने इसको डिवाइड करा क्योंकि यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, इधर भी डिवाइड करा। जैसे ही डिवाइड करा ये हटा और हमारा x बराबर क्या आंसर आ गया, x बराबर आ गया आंसर माइनस का 3/2। तो आप क्या करेंगे बच्चों वीडियो में इसको क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के रूप में नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन क्या है या आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। साथ में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें, जिससे आपका कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर आकर हमसे क्या कर सकते हैं, बात कर वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं अपने डाउट को। धन्यवाद बच्चों।